उनके बिना बहुत कमजोर महसूस करती हूँ सर। अगर ये लगभग हमें तो सूचना 4:18 पर कंट्रोल रूम को फोन किया गया, तब सूचना मिली थी। पूरा घटनाक्रम जब आज हम मौके पे पहुंचे हैं तो मालूम किया, तो यहाँ पर पुलिस पहुंची 4:18 पर, सूचना मिली। उसके बाद एम्बुलेंस से उसे हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। अभी उसकी जांच कर रहे हैं कौन कौन लोग शामिल थे, FIR दर्ज करके कार्रवाई। नमस्कार, मैं नितिन कुमार, आप देख रहे हैं NTV नेशनल। पाकिस्तान से भाग कर आई सीमा हैदर ग्रेटर नोएडा के पास सचिन मीणा के साथ घर बसाकर खुश है। सचिन और सीमा की आए दिन कोई ना कोई खबर या वीडियो सोशल मीडिया पर दिखती है। इसी बीच सीमा हैदर के पति सचिन मीणा को लेकर एक न्यूज़ तेजी से फैल रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सचिन की हत्या कर दी गई। ऐसे में क्या है वायरल न्यूज़ की सच्चाई, जानिए। सीमा हैदर के पति सचिन की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसी के साथ दावा किया जा रहा है कि पति की मौत के बाद सीमा हैदर पूरी तरह से टूट गई है। वहीं इसी के साथ एक पुलिस अधिकारी का बयान भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक न्यूज़ तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि सचिन मीणा की किसी ने हत्या कर दी। वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि सीमा हैदर के पति सचिन की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसी के साथ वीडियो के अंदर सीमा हैदर के रोने की भी तस्वीरें हैं। वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह घटनास्थल का वीडियो है। इसी के साथ एक पुलिस अधिकारी घटना के बारे में बता रहे हैं, हालांकि इसे लेकर पूरी जानकारी नहीं दी है। 20 घंटे पहले शेयर किए गए वीडियो में अब तक 7 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। वहीं यूज़र इसे ज़बरदस्त तरीके से शेयर कर रहे हैं। ऐसे में जब इस वीडियो की पड़ताल की गई तो यह वीडियो पूरी तरह से गलत साबित हुआ। जी हाँ, फेक साबित हुआ। हमारी पड़ताल में सचिन मीणा के साथ किसी भी अनहोनी की खबर नहीं है। किसी भी न्यूज़ या मीडिया प्लेटफॉर्म आउटलेट ने इस खबर को नहीं चलाया है। ऐसे में यह वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। आपको बता दें कि हाल ही में कई TV न्यूज़ चैनल करवा चौथ पर सीमा हैदर का इंटरव्यू किया था। इसी के साथ सीमा ने खुद को बताया था कि उनका परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है। सीमा और सचिन खुशी खुशी ज़िंदगी बिता रहे हैं। ऐसे में इस भ्रामक वीडियो को लोगों को गुमराह करने के लिए बनाया गया है। आपसे निवेदन है, ऐसे वीडियो से दूर रहें और इसको ज़्यादा शेयर ना करें। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।